वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को पेशाब में बदबू आने लग जाती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि पेशाब में बदबू आने के क्या कारण होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जाँचों को करा कर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कोई भयंकर बीमारी होती है, उस बीमारी का पता उनको वक्त पर नहीं लग पाता है और वो बीमारी बढ़ जाती है, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेशाब में बदबू आने के क्या कारण होते हैं, जिसे समझकर आप बचाव करेंगे और अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर अपना सही इलाज कराकर अपने जीवन को बचा लेंगे। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो भाइयों उस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। पानी कम पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पेशाब में बदबू आने लग जाती है। तो भाइयों, हम सभी लोगों को प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। यूटीआई इन्फेक्शन में पेशाब में बदबू आने लग जाती है। शुगर की बीमारी में पेशाब में बदबू आने लग जाती है। लीवर की खराबी में पेशाब में बदबू आने लग जाती है। लहसुन, प्याज, कॉफ़ी या बियर को पीने से पेशाब में बदबू आने लग जाती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के पेशाब में बदबू आने लग जाती है। कुछ दवाइयों को खाने से पेशाब में बदबू आने लग जाती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में पेशाब में बदबू आने लग जाती है। और भाइयों, गुर्दे और मूत्राशय में पथरीके हो जाने से पेशाब में बदबू आने लग जाती है। तो भाइयों, अगर आपके पेशाब में बदबू आती है तो भाइयों आपको कुछ जाँचों को तुरंत ही करा लेना चाहिए। आपको सुबह खाली पेट का एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, आरएफटी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, एलएफटी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए और भाइयों आपको यूरिन आरएम पेशाब की जांच को करा लेना चाहिए। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। नमस्कार भाई।